अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच हाजिर हुआ हूँ कुवैत के कुछ ताज़ा तरीन अपडेट लेके। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बता दें, जैसे कि कई भाइयों का मेरे पास कमेंट आता है कि भाई 18 नंबर वीज़ा कब स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को जानकारी दे चुका हूं कि इंडिया के विदेश मंत्री और कुवैत के विदेश मंत्री की दोनों लोगों के बीच में मीटिंग की जा रही है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बारे में अभी कोई खुल के अपडेट नहीं सामने आई है। तो दोस्तों, ये मान के चलिए कि फ़्लाइट वगैरह, वीज़ा और भी कई मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। लेकिन दोस्तों, बस बात यह है कि अभी कुछ भी खुल के फैसला नहीं लिया गया है और ना ही कोई अपडेट दिया गया है। तो दोस्तों, ये मान के चलिए कि जुलाई के एंड में 18 नंबर वीज़ा को स्टार्ट करने की उम्मीद पाई जा रही है अपडेट के अनुसार। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को थोड़ा और वेट करना होगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अभी जो कुवैत के अंदर कोरोना वायरस के केसेस है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें अपडेट के अनुसार जो नए टेस्ट किए गए हैं वो 2067 लोगों को नए टेस्ट किए गए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। वहीं पर दोस्तों, अगर हम नए केस की बात करें तो 1437 नए केस सामने आए हैं। वहीं पर दोस्तों, अगर हम मरने वालों की बात करें तो 4 लोगों की मौत हुई है। तो दोस्तों, इसको देखते हुए अभी कुछ भी अहम फैसला नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों कुवैत के अंदर कोरोना वायरस के केसेस में फिर से बढ़ोतरी देखी गई है। हम आपको बता दें कि कई दिनों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो दोस्तों, इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से कुवैत के अंदर कर्फ्यू लागू कर दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे ही अगर कुवैत पर कोरोना वायरस में केसेस में बढ़ोतरी होती रहेगी तो हो सकता है कि कुवैत गवर्नमेंट वहाँ पर कर्फ्यू एक बार फिर से लागू कर दे। तो दोस्तों, ये सब चीज़ को देखते हुए अभी कुछ भी अहम फैसला नहीं लिया जा रहा है, खास करके फ्लाइट को और एंट्री को लेकर। तो दोस्तों, जितने भी लोग अभी एक्सपर्ट लोग हैं, मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अभी आप लोग थोड़ा और वेट करें, हो सकता है कुछ अच्छी अपडेट आ जाए आगे चल के। क्योंकि दोस्तों, अभी तो कुछ अपडेट आने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों जैसे कोरोना वायरस के केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है उसको देखते हुए अभी कुछ भी अपडेट आने की उम्मीद नहीं दिख रही है। तो दोस्तों मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा और आप वेट करिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप लोगों का वीज़ा ख़त्म हो रहा हो तो आप लोगों को 25 जून से पहले आप लोग अपने वीज़ा को रिन्यू करवा लें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोग 25 जून से पहले वीज़ा रिन्यू नहीं करवाओगे तो आप लोग अगर कुवैत में होगे तो आप लोगों को अगर आप लोग कुवैत में होगे और अगर आप लोग वीज़ा रिन्यू नहीं करवाओगे और अगर आप लोग पकड़े जाते हो तो आप लोगों को सीधा कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर, इसीलिए मैंने सोचा आप सभी दोस्तों को ये जानकारी देता चलूँ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी हमारे भाई लोग हैं जिनका वीज़ा ख़त्म होने वाला हो, वो लोग जल्द से जल्द वीज़ा रिन्यूअल करवा ले, ताकि आगे चल के उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोग पकड़े जाते हो तो आप लोगों को डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी कुवैत में हैं वो लोग जल्द से जल्द अपने वीज़ा को रिन्यू करवा लें। तो दोस्तों, इसके आगे जैसे ही कोई फ्लाइट और वीज़ा वगैरह की अपडेट आती है, हम आप सभी दोस्तों को इसी चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे कुवैत की ताज़ा तरीन अपडेट से वाकिफ रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं और कुछ नई अपडेट में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।